हेलो, मैं डॉक्टर राव, मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ और आप जानते हैं हम अपने क्लिनिक में बहुत डिफरेंट टाइप की सर्जरीज करते हैं। आज मैं जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। पेशेंट्स हमारे पास आके हमेशा अक्सर ये कहते हैं कि उनके पेनिस का साइज कम होता जा रहा है। क्या आपको भी ये समस्या है कि आप ये ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपके पेनिस का साइज कम होता जा रहा है? देखिए, पेनिस का साइज जिसको कहते हैं पिनाइल श्रिंकेज का मतलब है कि पेनिस का साइज धीरे 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 श्रिंक होता जाना, यानी सिकुड़ता जाना। बहुत से लोग को ये प्रॉब्लम होती है और ये मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है, जो सिम्टम है इरेक्टाइल डिसफंक्शन का। पेशेंट हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं जी पहले पेनिस का साइज अच्छा था लेकिन वो धीरे धीरे वक्त के साथ कम होता चला जा रहा है। उसका मेन रीजन क्या है? उसके कई रीजन है जो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन से, यानी नपुंसकता से। और मैं हर जो भी इसके कारण होंगे उनका साथ साथ इलाज भी बताता चला जाऊंगा। तो अगर आप ये महसूस कर रहे हैं कि आपके लिंग में तनाव में कमी है, तो उसका एक सिम्टम आप ये भी जरूर महसूस करेंगे कि आपके पेनिस का साइज सिकुड़ता जा रहा है। तो ऐसे केस में बजाय कि आप घबराएं और इधर उधर भागें और उसके लिए कोई दवाई लें, ये बिल्कुल सही नहीं है। आप इसमें इत्मीनान से अपने घर पर बैठें और सबसे पहले स्ट्रेस, मतलब जो आप चिंता करने लगते हैं कि मैं क्या करूं, उसको छोड़ दें, क्योंकि उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। दूसरा, आप इसमें क्या करें कि एक्सरसाइज शुरू करें, थोड़ा सा जॉगिंग करना या इधर उधर घूमना, दिन में कम से कम 5 किलोमीटर की सैर करना, ये सब आप जरूर करें। साथ में अगर कोई और कीगल एक्सरसाइज कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल आ गया है वो है पिनाइल मसाज का। मैंने पिनाइल मसाज के ऊपर, लिंग की मालिश करने के ऊपर पहले भी वीडियो बनाया था, उसका इसमें बहुत अहम रोल है। ये सब चीज़ें तो वो हैं जो आप अपने घर पे बैठे कर सकते हैं। मेरे से संपर्क करने से पहले, मेरे पास आने से पहले जब आप क्लिनिक में आए, तो ये मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप ये सब खुद अपने क्लिनिक अपने घर पर बैठ कर लें। आपने लिंग की मसाज करनी है, इसके बारे में डिटेल वीडियो मैंने पहले भी बनाया है। आगे भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं इसको लिंग की मसाज को किस तरह से किया जाता है, क्या ऑयल यूज करता है वो बता दूंगा। लेकिन बेसिकली आपने ऑयल से लिंग की मसाज करनी है। फिलहाल आप सबसे पहले नारियल का तेल यूज कर सकते हैं और उससे आप पेनिस की मसाज शुरुआत कर दें। जब हम हमारे पास आएंगे उसको करने का सही तरीका हम आपको बता देंगे। जैसे मैंने कहा कि इसके नेक्स्ट वीडियोज जो बनेंगे वो उसके बारे उसमें बनते रहेंगे कि किस तरह से आप लिंग की मसाज कर सकते हैं। लेकिन आज मैं बताता हूँ लिंग की मसाज, यानी पिनाइल मसाज, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक तरह से वो स्टिमुलेंट होती है नई ब्लड वेसल्स को बनाने के लिए। जो पिनाइल श्रिंकेज होती है ईडी में, जो लोग ये सोचते हैं क्यों हो रही है, यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन में, नपुंसकता में, लिंग में तनाव की कमी में पेनिस छोटा होता है, वो इसलिए क्योंकि पेनिस की ब्लड सप्लाई कम होने लगती है। तो मसाज करने से उन ब्लड जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें ज्यादा ब्लड का फ्लो बनता है और नई ब्लड वेसल्स बनने का भी एक तरह से रास्ता खुल जाता है। उसके बाद अब हमारे पास आइए, ये सब करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए, पिनाइल मसाज करते हुए और बिना स्ट्रेस के, तब इसमें ऐसे केसेस में पी शॉट करने से फायदा होता है। साथ में ईडी 1000 की मशीन भी यूज करनी चाहिए, एक साथ यूज कर सकते हैं। पी शॉट, जैसे मैंने बताया, नई ब्लड वेसल्स को खोलती है, रीवेस्कुलराइजेशन करती है, ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं उसके अंदर जिससे नई ब्लड वेसल्स को एक तरह का बूस्ट मिलता है, वो ज्यादा ब्लड वेसल्स बनती है, ज्यादा ब्लड वेसल्स फैलती है। और उसके साथ अगर आप ईडी 1000 का शॉक वेव थेरेपी भी दे देंगे पी शॉट देने के बाद, तो ऑलरेडी पेनिस में ग्रोथ फैक्टर्स है तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि आपने पहले ही वहां पे ग्रोथ फैक्टर्स डाले हुए हैं, आपने वहां पे पी शॉट का डाला हुआ है, प्लाज्मा पे बहुतायत में है और साथ में ही आपने शॉक वेव दे दिया, तो ये दोनों बहुत ही अच्छी तरह से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। जब ईडी के कारण ये प्रॉब्लम हो, तो हम इस तरह से पिनाइल जो श्रिंकेज है, यानी पेनिस का साइज कम होना है, उसको रोक सकते हैं। इसके आप डिफरेंट सेशंस भी ले सकते हैं, 1-2 महीने में आके रिपीट करा सकते हैं, इससे आपकी पिनाइल श्रिंकेज रुक जाएगी। हालांकि आप लो डोज में टेडालाफिल भी दी जा सकती है जिससे पेनिस का ब्लड फ्लो मेंटेन रहे। अब रही बात, सेकंड रीजन होता है कि जैसे जब आदमी यंग होता है तो आपने देखा होगा आमतौर पर वो पतला होता है, उम्र के साथ उसमें मोटापा आने लगता है, तो ये फैट पेट के निचले हिस्से में जमा होने लगता है। जो लोग मोटे होते हैं उनका फैट पेनिस के ऊपर जरूर काफी हद तक जमा हो जाता है, पेनिस की जड़ के ऊपर,
और पेनिस उसके अंदर दबता चला जाता है। इसके लिए हम अपने यहाँ पे एक बहुत कॉमन सर्जरी करते हैं कि हम उस फैट को निकाल लेते हैं। तो उस फैट को अगर हम दो तरीके से उस फैट को निकाला जा सकता है, या तो आप डाइटिंग करें और वेट लूज कर दें, नेचुरल तरीका है, आपको कोई सर्जरी कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जो आप कितनी भी डाइटिंग करें, एक तो डाइटिंग करना मुश्किल होता है, अगर आपने इतना ईजी होता तो आप पहले ही मोटे क्यों होते। तो इस तरह से, और अगर आप डाइटिंग कर भी लेते हैं तो इस एरिया से फैट नहीं निकलता, सबसे लास्ट में निकलता है। तो उसके उसके लिए हम क्या करते हैं कि उस फैट को निकाल लेते हैं। तो आपने उसके पेनिस के ऊपर का फैट को निकाल लिया, तो पेनिस बाहर निकल आएगा, फैट से एब्डोमेन के अंदर जो छुपता जा रहा है वो वहां से बाहर निकल आएगा। उस फैट को आप, अगर ये करना है, इसके साथ साथ हम पेनाइल लेंथनिंग सर्जरी भी कभी कभी कंबाइन कर देते हैं कि जो पीछे का लिगामेंट होता है उसको काट देते हैं जिससे पेनिस, और वहां पे सिलिकॉन डाल के पेनिस को और आगे की ओर पुश कर देते हैं। इस फैट को हम पेनिस के अंदर डाल देते हैं जिससे पेनाइल की, पेनिस की गर्थ भी बढ़ जाती है। अगर आप ये सर्जरी कराना चाहते हैं तो इसके साथ पेनाइल लेंथनिंग या गर्थ इंक्रीज भी किया जा सकता है, अगर आप इससे वेट गेन काफी ज्यादा है जिस कारण से पेनिस का साइज छोटा है, अदरवाइज भी अगर आप साइज छोटा है तो ये सर्जरी की जा सकती है। तीसरा, ये आमतौर पर होता है जब मल्टीपल ट्रोमा हुआ, आपने कोई खेल खेला तो वहां पे कारण से कॉर्पोरा में चोट लग गई, कॉर्पोरा में चोट लग गई तो कॉर्पोरा श्रिंक कर जाता है, श्रिंक करने के कारण पेनिस का साइज छोटा हो जाता है, स्कारिंग हो जाती है। ऐसे केस में भी मसाज हेल्पफुल होती है, या फिर उस स्कार टिश्यू को निकाल दिया जाए, उसकी जगह के स्किन ग्राफ्टिंग कर दी जाए, बहुत एक्सटेंसिव प्रोसीजर है। पीशोट एक कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है, ED-1000 भी इसमें काम आती है, वो धीरे धीरे इस स्कार टिश्यू को सॉफ्ट कर देती है। एक और रीजन है जो पेनिस को छोटा कर देता है, वो है पेरोनीज डिजीज। पेरोनीज डिजीज में पेनिस लेकिन टेढ़ा हो जाता है, बहुत ज्यादा कॉमन डिजीज नहीं है। आमतौर पर जो हमारे पास पेशेंट आते हैं जो पेनाइल श्रिंकेज की बात करते हैं, उनमें पेरोनीज डिजीज नहीं होता है। पेरोनीज डिजीज में पेनिस धीरे 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 टेढ़ा होने लगता है, और एक साल तक ये प्रोसेस बहुत तेजी से चलता है। एक साल तक आमतौर पर लोग स्टेबल हो जाते हैं, जो नहीं हो पाते उनको सर्जरी की जरूरत होती है। अगर ये एंगल 30 डिग्री से ज्यादा हो जाए पेनिस के बीच में से टेढ़ा होने का, इस पे मैंने पेरोनिस डिजीज पे भी एक पहले वीडियो बनाया है, तो ये 30 डिग्री से ज्यादा हो जाए तब ये सर्जरी करने की इसको जरूरत पड़ती है। एक ये एक रीजन है, लेकिन मैं सबसे जो कॉमन रीजन है उनको मैंने सबसे पहले बताया, फिर अनकॉमन रीजन को लास्ट में बता रहा हूं। डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी। ओबेसिटी आप जानते हैं, मोटापा, जिसका मैंने बताया कि अगर पेट के आसपास मोटापा हो तो इससे कारण भी पेनिस का साइज छोटा होता चला जाता है। अगर आपको पेनाइल श्रिंकेज है तो मेरी आपसे अपील है कि पहले आप घर पे ही पेनिस पेनाइल मसाज कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए, अच्छा खाना पीना खाएं, पूरी नींद लें, और अगर इन सब के बाद भी आपको महसूस होता है कि आपके पेनिस में लिंग के तनाव में कमी हो रही है या पेनिस का साइज छोटा है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करें, हम इसको कंजर्वेटिव यानी बिना सर्जरी के और सर्जरी दोनों की तरह से ट्रीट कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ऐसे कराना चाहते हैं। क्लिनिक हमारा गुड़गांव में है, जो दिल्ली एयरपोर्ट के पास पड़ता है। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं। मैं एक दिन लखनऊ में भी अवेलेबल हूं, तो लखनऊ में कि अगर आप पास पास है तो आप मुझसे लखनऊ में भी आके मिल सकते हैं। फोन करके क्लिनिक पे आप उसका अपॉइंटमेंट ले लीजिए। आपने अपना टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।